मैं यूथ कांग्रेस दफ्तर जो कि रायसीना रोड पर स्थित है उसके सामने खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि यहां पे करीब 11:30 से 12 बजे के आसपास यही नज़ारा देखने को मिलता है। बड़ी तादाद में लोग, जहां तक आपकी नज़र जाएगी, जहां तक आप देख सकते हैं, लोगों की लंबी लाइन यहां पे है जो कि यूथ कांग्रेस इन सभी लोगों को खाना मुहैया कराती है, पीने का पानी मुहैया कराती है। जिन्हें खाने की दिक्कत है वो यहाँ पे आते हैं आसपास, तो उनसे पहले आप देख सकते हैं कि उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है, उनकी टेम्परेचर को नापा जाता है कि अगर किसी का टेम्परेचर सही है या नहीं है, इस बात की तस्दीक की जाती है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास हमारे साथ हैं। श्रीनिवास, जिस तरीके से आप यहाँ के जरूरतमंद लोगों को मदद मुहैया करा रहे हैं, हमें ये जानकारी भी मिली है कि ट्विटर के जरिए भी, मैसेज के जरिए भी, व्हाट्सएप के जरिए भी बड़ी संख्या में लोग आपसे मदद मांगते हैं। किस तरीके से आप अपने संगठन के लोगों के जरिए उन तक मदद पहुँचाते हैं? देखिए, लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा बड़ी मुसीबत आया माइग्रेंट लेबर को, और उन लोग को खाना नहीं मिल पा रहा है, होटल ओपन नहीं है। सबसे ज़्यादा लोग गरीब में, जो गरीब लोग हैं उनको भूख को मिटाने के लिए हमने संकल्प लिया है। मेरे जिम्मेदारी ये कांग्रेस कार्यकर्ता 5 परिवार को भूख मिटाने के लिए हमने संकल्प लिया है। आप देख सकते हैं कि ऐसे समय में जब लोग जरूरतमंद हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास खाने का सामान नहीं है, पीने का पानी नहीं है, मास्क ओढ़ने के लिए नहीं है, और जो ऐसे भी लोग हैं जो कि बाहर नहीं निकल सकते, उनको किस तरीके से सामान पहुँचाया जा सके, उनका पेमेंट कैसे हो सके, इसकी एक कोशिश यूथ कांग्रेस की तरफ से हो रही है। कैमरा पर्सन अमित राय के साथ अमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।